जेल बंदी कोमल की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, लगाया जेल प्रबंधन पर आरोप। जिला जेल में बुधवार की दोपहर हत्या का आरोपी बंदी कोमल यादव पुत्र बाबूलाल यादव, उम्र 42 साल, निवासी हरदी, जेल प्रशासन के अनुसार सीने में दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर गया। जिला अस्पताल आने पर डॉक्टर ने जांच के बाद बंदी को मृत घोषित कर दिया। वह इस पूरे मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने आज जिला अस्पताल में भारी संख्या में इकट्ठा होकर अपने परिजन के मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कोमल के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। तबीयत बिगड़ने की बात पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि अगर उसकी तबीयत जेल में बिगड़ी थी तो हमें सूचना क्यों नहीं दी गई। मौत के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यह हंगामा कई घंटों तक चला। रोने गाने के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। वहां मौजूद पुलिस परिजनों को समझाइश देती रही। लगभग 3 घंटे बाद परिजन कोतवाली थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला की समझाइश पर माने और शांत हुए। मृतक के परिजनों की जुटी भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट जिला अस्पताल पहुँचे। उनके साथ ही तहसीलदार भरत सोनी भी मौके पर पहुँचे, जिसके बाद पोस्टमार्टम और मजिस्ट्रियल जाँच की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अभी जारी है। उनके सामने वीडियोग्राफी के साथ डॉक्टर मुकुंद चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहम्मद और डॉक्टर प्रजापति, 3 सदस्यों की टीम मृतक का पोस्टमार्टम कर रही है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मामले में मर कायम कर लिया है। बंद थे और क्या घटना हुई? ये साल डेढ़ साल से जेल में बंद है कोमल यादव। इनका घटना तबीयत खराने होने के बताया जा रहा है, अभी जेल से पता किए तो। बाकी जेल की लापरवाही, इसमें जेल प्रबंधक की पूरी गलती, जेल प्रबंधक की गलती से हत्या हुई है इनकी। जेल प्रबंधक में ये है कि अगर तबीयत खराब हो जाता थोड़ा या तो बहुत, ना तो कोई डॉक्टर है ना तो कोई क्या है, एक छोटा सा कंपाउंडर रख लिया गया है जिसमें उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। और क्या है कि उटपटांग दवाई से दवाई देता रहता है और तबीयत खराब हो जाता है तो सही समय से नहीं लाया जाता। जैसे तबीयत अगर आज खराब हुई है तो एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लेके आते हैं। कोमल यादव बीमार था, इसकी सूचना आपको दी गई थी क्या? कोई सूचना नहीं दी गई है, सूचना नहीं दी गई है। सुबह घर वाले फोन भी लगाए हैं तो बात भी नहीं कराया गया है जेल प्रबंधक लोग। अच्छा, और अभी तक देखने को मिला है बॉडी? बॉडी अभी तक देखने को नहीं मिला कि बॉडी क्या क्या स्थिति है और कैसे, मतलब उसकी जानकारी, मतलब पता चले बॉडी की खत्म। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बॉडी को पुलिस वाले ने अभी लुका के रखे गए हैं कि मजिस्ट्रेट आ जाए तो उनके सामने पंचनामा करेंगे तो दिखाया जाएगा। आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है कि बॉडी दिखाया जाए और जो भी है उसमें अपन लोग को देख के पता चला कि जेल हत्या कैसे करवाया गया है। जेल में मतलब जांच होनी चाहिए, उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई ही होनी चाहिए उसमें। क्या नाम है आपका? राजीव यादव मेरा नाम है। आप क्या है उनके मृतक? मैं उनके भांजा हूँ, उनके कोमल यादव के। जी, ये कोमल यादव ग्राम हल्दी थाना सोहागपुर के खराब दिन से रोज शाम में जेल में निरुद्ध थे। उनको इलाज के लिए आए थे, तबियत खराब थी, लाया गया था हॉस्पिटल। उस दौरान उनकी यहाँ मृत्यु हो गई है। उनका भी पोस्टमार्टम हो रहा है और कायम कर दिया गया है। न्यायिक जाँच इसकी की जा रही है। माननीय मजिस्ट्रेट महोदय अस्पताल में है, पंचनामा कार्रवाई चल रही है।